तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचकुला में कोरोना विस्फोट जारी, बड़ी रहम जानकारी। आज फिर 153 नए मरीज मिले, 79 मरीज पंचकुला के हैं। शहरी इलाकों में ज्यादा केस सामने आए, ये बड़ी और अहम जानकारी। 89 मरीज पंचकुला के ही सामने आए, शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस देखने को मिले, तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, हर रोज कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और शहरी इलाकों की यदि बात की जाए तो शहरी इलाकों में कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा देखने को मिला, यानी कि सख्ती जहां बापरी जा रही है। ऐसे में आम जनता को भी जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा जागरूक हो, कोरोना को लेकर अवेयर हो, ताकि शहरी इलाकों में जिस तरह से हर दिन केसों में इजाफा देखने को मिल रहा है उसमें अंकुश लग सके। तो पंचकुला में कोरोना विस्फोट जारी है, लगातार पंचकुला में कोरोना के मरीज सामने आते जा रहे हैं। 153 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद 89 मरीज पंचकुला के हैं और शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। पंचकुला में कोरोना विस्फोट जारी, लगातार पंचकुला में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, हर दिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा केस सामने आए। सरकार कई केंद्र चला रही है जहां पर कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृणाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृणाल, तो बताएं कि जिस तरीके से शहरी इलाकों में कोरोना की रफ्तार ज्यादा देखने को मिली, एक तरफ सरकार यहां पर जागरूकता अभियान चला रही है, अवेयर है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, बावजूद इसके शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी मोनिका, यदि बात की जाए पंचकुला की तो कोविड लैब के अंदर आज 153 लोगों की रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से 89 जो मरीज हैं वो पंचकुला जिले के हैं। इस बात की पुष्टि सीएमओ पंचकुला डॉक्टर जसजीत कौर और पंचकुला के डीसी मुकेश आहूजा ने भी किया है। उन्होंने बताया कि चाहे ग्रामीण इलाके से कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं पंचकुला शहरी इलाके में भी कम नहीं है। इनको आइसोलेट करने की तैयारी कर दी गई है और इनके संपर्क भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो सवाल बार बार सामने आ रहा है कि आखिर केस बढ़ क्यों रहे हैं? सरकार जागरूकता के लिए बहुत कुछ कर रही है लेकिन लोग हैं कि बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं, फंक्शंस के लिए बैन किया गया है, तो लेकिन फंक्शंस के अंदर फिर भी संख्या देखी जाए तो ज्यादा होती है लोगों की। कहीं ना कहीं लोगों को संजीदा होना पड़ेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से हम लगातार लोगों से अपील करते आ रहे हैं जब से कोरोना शुरू हुआ है कि अपना बचाव रखें, दो गज की दूरी रखें, मास्क लगा कर रखें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहें। लेकिन लगता है कहीं भी लोगों के कानों पर जूं सी देखती हुई नजर नहीं आ रही है। इसका क्या कारण है ये तो लोग ही बता सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर यही हिसाब चलता रहा तो आने वाला जो समय है कोरोना को लेकर बहुत घातक जो है वो सिद्ध होने वाला है प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों को संभलने की बहुत जरूरत है। हम आज फिर एक बार इंडिया न्यूज की तरफ से अपील कर रहे हैं कि लोग संजीदा हो जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोएं और भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं। बिल्कुल मृणाल, तो जिस तरीके से सरकार अलर्ट है, ऐसे में लोगों को भी बहुत जरूरत है कि जागरूक बने और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। मृणाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए करनाल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। करनाल में कोरोना का कहर जारी है, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई, 24 घंटे में 138 नए मरीज मिले, जिले में अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है, ये बड़ी और अहम जानकारी। 24 घंटे में 138 नए मरीज मिले, ये बेहद बड़ा आंकड़ा है। इसके साथ ही जिले में अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए केसीआर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसीआर बताएं कि क्या वजह है कि लगातार कोरोना संक्रमण के जो मरीजों का आंकड़ा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सरकार इसको लेकर अलर्ट है। बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं करनाल में आज फिर 138 जो कोरोना पॉजिटिव केस
सामने आए हैं, वहीं आज दो लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। आपको बता दें कल भी 116 केस करनाल में कोरोना पॉजिटिव आए थे और सीएमओ योगेश शर्मा ने जानकारी देते बताया था कि सभी लोग जो है अब कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके कारण ये कोरोना और बढ़ता जा रहा है। अब दोबारा से अब कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त था ये करनाल में 4-5 केस आते थे, परंतु अब जो है 138 केस आज कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसके कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग वो भी हरकत में आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा चालान भी काटे जा रहे हैं। सभी चौक चौराहों पर पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही है, चालान काट रही है, लोगों को नसीहत दे रही है, परंतु उसके बावजूद भी लोगों की जो लापरवाही है कहीं ना कहीं जो है कोरोना के कारण जो है अब कोरोना बढ़ता जा रहा है लोगों की लापरवाही के कारण। और आज दो लोगों की कोरोना से मौत हुई है, वहीं 138 नए केस सामने आए हैं। अगर आपको बताएं तो 81 लोग कोरोना से ठीक होकर भी गए हैं। जी तो यदि यही रुक हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, ऐसे में जागरूक होने की जरूरत है। केसीआर इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।